पहले बुधवार को सदन में नेता प्रतिपक्ष के द्वारा इस मुद्दे को उठाया गया। उस दिन मैं काउंसिल में मेरा ड्यूटी था। सदन में जब शाम में आए तो पता चला हंगामा हुआ, जो आप लोगों का मैंने बाइट दिया। उसके बाद दोबारा फिर सवाल उठाया गया तो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, सारे तथ्यों को साक्ष्य के साथ मैंने रखने का काम किया। और उसके अलावा आज फिर मैं जब काउंसिल में ध्यानाकर्षण में था, फिर नेता प्रतिपक्ष ने सवाल उठाया कि मंत्री जवाब नहीं दे रहे हैं, किरायनामा नहीं बता रहे हैं। तो उसी सवाल पर मैंने सदन से उठ के, अपने मेरा विशेषाधिकार है, मैंने माननीय अध्यक्ष जी को कहा कि मुझे भी समय दीजिए सफाई देने के लिए। माननीय अध्यक्ष जी का आभार प्रकट करना चाहता हूं, उन्होंने मेरा समय दिया और मैं पूरी तैयारी करके लाया था, एक एक विषय का कागज़ के साथ जो सदन पटल पर मैं रखा हूँ कि निर्दोष कैसे हूँ, और सारे आरोपों के पॉइंट वाइज में बताना चाह रहा था। पहला पॉइंट ये था कि 298-20 बोचहां थाना कांड संख्या, जो शराब अधिनियम के तहत जो केस दर्ज हुआ है, उसमें कहीं मेरा नाम उसमें नहीं है। वो बोचहां थाना में आता है, मेरा अहियापुर थाना में है। जबकि नेता प्रतिपक्ष पहला दिन सवाल उठाए थे कि माननीय बिहार सरकार के मंत्री रामसत राय जी के परिसर से दारू बरामद हुआ है और वो शराब माफिया हैं, दारू बेचते हैं। उसका जवाब मैं दिया कि मैं कहीं से उसमें संलिप्तता नहीं है। रह गई बात कि वह ज़मीन मेरे भाई के नाम से है, दो लोगों के नाम से है, 20 डिसमिल का ज़मीन है, उसमें 10 डिसमिल का मेरा भाई है। वो भाई किराया पर कोचिंग स्कूल चलाने के लिए दिया था, उसमें मेरे पिताजी का बोर्ड लगा था और मैंने उसको उद्घाटन भी किया था, और उद्घाटन या प्राइजिट्यूशन जो भी किया उन्होंने फ़ोटो दिखाया, तो एक नेता होने के नाते मैंने सफाई दिया था। आज मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि नेता जब प्रतिपक्ष ने सवाल खड़ा किया सदन में, तो माननीय अध्यक्ष जी ने संज्ञान लिया और उनके कथनानुसार उनकी बात को रखने के लिए मुझे कटघरे में खड़ा किया गया, जबकि मैं सफाई दे चुका था। फिर भी मैं सारी बातों को कागज लेके एक चीज़ बताना चाहता था, लेकिन नेता सदन का कहना था कि नहीं पहले मुझको बोलने दीजिए, तो आप तो 7 दिन से बोल ही रहे हैं सदन के अंदर, तो मैं पहली बार बोलने के लिए खड़ा हूँ। यानी उनका मकसद है हंगामा खड़ा करना, उनकी मकसद है कि बात को नहीं सुनना और झूठी बातों को प्रगुंडा करके प्रचार करना। कहावत है, एक देहाती कहावत है कि जो नंगा क्या निहाएगा क्या निचोड़ेगा, तो इज्जत का सवाल है। मैं एक खानदानी व्यक्ति हूँ, गाय चराने वाला, गाय दूहने वाला व्यक्ति हूँ, ये क्या हाल जानने गया भेड़िया। मेरा कहना ये है, मैं कहना चाहता हूँ कि मेरा एक एक साक्ष्य है और इनके पीछे कुछ हमारे वहाँ के स्थानीय लोकल और आई के लोग लगे हुए हैं, कुछ बोचहां के लोग लगे हुए हैं। मैं भी आपके बयान से कहना चाहता हूँ कि मुजफ्फरपुर नगर थाना कांड संख्या 816-17, एक व्यक्ति जो डॉक्टर शिव नारायण सिंह है, जो एशिया फेमस के सबसे बड़े डॉक्टर है, उनका बोचहां में ज़मीन था और बोचहां के ज़मीन को वहाँ के स्थानीय कांग्रेसी जिसका नाम चंदेश्वर सहनी